सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। गाइज, क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो है प्रीवियस तक मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व आउट करवा दिया था आप लोगों को। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16, ये तीन क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो बने रहिए वीडियो के एंड तक। गाइज, मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। सो देखते हैं पहले कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो क्या है। लेट एल बी द सेट ऑफ लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू एल वन कॉमा एल टू सच दैट एल वन इज अ पैरेलल टू एल टू। ठीक है, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और आगे क्या कहा है, फिर फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन्स वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फोर। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो क्या होता है। मैंने एकदम स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। आप लोगों अगर वो वीडियो आप लोगों ने मैं नहीं देखा है सो आई टैब पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। वो वीडियो पहले देख ले ताकि इक्विवेलेंस रिलेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों को समझ में आ जाए। और मैंने इसके प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैंने सॉल्व आउट कर दिया है। सो प्लीज़ चेकआउट माई प्लेलिस्ट, सो आप लोगों को पूरा कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन कैसा होता है, क्या होता है। सो इसमें हम अभी जो है एक रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है, एक सेट है। ठीक है ना, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस एक्स वाई प्लेन। एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स है वाई है। ठीक है ना, एक प्लेन है, इसमें जो है लाइन्स एल जो है लाइन्स के कुछ सेट गिवन है। एल जो है लाइन्स के कुछ सेट गिवन है, तो हमें ये बताना है। और एक आर रिलेशन भी दिया हुआ है साथ में, एक आर जो है एक रिलेशन भी दिया हुआ है। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, आर इज इक्वल टू एल वन एल टू सच दैट एल वन इज पैरेलल टू एल टू। ठीक है ना, तो कोई भी दो लाइन जो है आपस में क्या है, पैरेलल है, ये रिलेशन कहता है, ये जो है रिलेशन कहता है। तो हमें ये शो करना है कि आर जो है एक हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो अभी हम यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे जिसमें हमें पता है पहला नंबर हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव होता है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर देखें हम लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, जो सेट हमारा गिवन है। ठीक है ना, सेट हमारा गिवन है, देखिए सबसे पहले गिवन रिलेशन को लिखेंगे। गिवन आर इज इक्वल टू एल वन L2 such that L1 is parallel to L2. L1 जो है L2 के पैरेलल है। सो नाउ फर्स्ट हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव हम दिखाते हैं। जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है उसके अंडर में तीन कंडीशंस आते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, फिर सिमेट्रिक होता है, और थर्ड नंबर हमारा ट्रांजिटिव होता है। अगर ये तीनों हम कंडीशन दिखा देते हैं तो हम बता सकते हैं कि ये जो रिलेशन गिवन है वो हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, देखिए ये रिफ्लेक्सिव होगा, कैसे होगा, सिंस देखिए इट इज द, यहां पर लिख लेते हैं ऐसे, द गिवन रिलेशन must be reflexive, the given relation must be reflexive। ऐसा मैंने यहां पर क्यों लिखा है, अभी मैं उसका रीजन बताता हूं। सिंस देखिए अब यहां पर जो रिलेशन है उसमें यह बताया गया कि जो L1 है वो L2 के पैरेलल है। L1 जो है L2 के पैरेलल है, और हमें पता है कि जो रिफ्लेक्सिव है उसमें खुद के साथ रिलेशन दिखाना होता है। सो हम यहां पर लिख सकते हैं, सिंस L1 विल ऑलवेज पैरेलल टू इट्सेल्फ हम ऐसा लिख सकते हैं। जो L1 है, L1 तो हमेशा जो खुद का पैरेलल तो होगा ही ना, L1 के पैरेलल होगा। सो हम यहाँ पर यही लिख सकते हैं कि L1 जो है खुद के पैरेलल होगा।
सो ये क्या इंप्लाई करता है, देयर फोर एल वन कॉमा एल टू बिलोंग्स टू आर, हेंस हम यहां पर बता सकते हैं हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव आर को हम क्या बता सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो गिवन रिलेशन है उसमें बताया जा रहा है कि कोई भी दो अगर लाइन है तो आपस में क्या है पैरेलल होंगे, सो पैरेलल के लिए हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव दिखाने हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारा क्या होता है सिमिलरी होता है, ठीक है ना, सेम ए का ए के साथ ही रिलेशन दिखाना होता है हमें, सो एल वन का यहाँ सॉरी यहाँ पर एल वन आ जाएगा, एल वन का एल वन के साथ ही हमारा क्या हो जाएगा रिलेशन शो हो जाएगा, सो ये हमारा आर क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नाउ सेकेंड हमारा क्या होता है सिमेट्री, सिमेट्री सिमेट्रिक में हम क्या दिखाते हैं, सिमेट्रिक में हम क्या दिखाते हैं कि कोई भी दो लाइन है, ठीक है ना, कोई भी दो लाइन है वो उसको हम रिवर्स भी करेंगे तब भी वही रिलेशन हमारा सेटिस्फाई होगा। जैसे उसमें बताया था हमने जनरल फार्मूला में बताया था कि जो है ए का बी के साथ अगर ए और बी जो है रिलेशन में बिलोंग करता है तो बी ए भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए लेट एल वन एल टू बिलोंग्स टू आर, जो गिवन है L1 L2 जो है R में बिलोंग करेगा। यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या इंप्लाई करता है कि L1 जो है L2 के पैरेलल होंगे, L1 और L2 R में अगर बिलोंग करता है तो L1 L2 के पैरेलल होंगे। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L2। अच्छा इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के भी तो पैरेलल होंगे, सो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। सो ये क्या इंप्लाई करेगा कि L2 L1 जो है हमारा R में बिलोंग कर जाएगा, यही तो हमें दिखाना होता है सिमेट्रिक में। सो हम यहाँ पर बता सकते हैं हेंस R इज सिमेट्री, सिमेट्री। ओके नाउ स्टूडेंट्स अब हम सेकंड नंबर देखेंगे ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में क्या होता है हम यहां पर लेट करेंगे, लेट L1 L2। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी अगर R में बिलोंग करता है साथ ही साथ बी सी अगर R में बिलोंग करता है तो A और C भी हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा R में बिलोंग कर जाएगा। अगर ऐसा है तो हम उसको बता सकते हैं कि वो रिलेशन हमारा क्या है ट्रांजिटिव है। सो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, तो ये क्या इंप्लाई कर जाएगा, देखिए ये क्या इंप्लाई करेगा, जो L1 है L2 के पैरेलल होंगे और L3 L2 L3 के भी पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाई L1 पैरेलल का हम साइन लिख लेते हैं, ठीक है, L1 पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। सो अब यहां से देखिए अगर L1 L2 के पैरेलल है, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है तो हम यहां पर क्या बता सकते हैं, दिस इंप्लाई L1 विल आल्सो बी पैरेलल टू L3। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये क्या इंप्लाई करेगा L1 कॉमा L3 वो हमारा किससे बिलोंग कर जाएगा R में बिलोंग कर जाएगा। सो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैंस R इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव हम बता सकते हैं कि R जो है क्या होगा ट्रांजिटिव होगा। नाउ अब हमसे पूछा गया था कि ये जो रिलेशन गिवन है, ये जो R रिलेशन आपका गिवन है वो हमारा क्या है एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो आप लोगों को पता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, जब हमारा R रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो उस रिलेशन को हम क्या बता सकते हैं कि ये जो है हमारा एक क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। हेंस हम यहाँ पर बता सकते हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R जो है हमारा क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है।
अब नाउ यहाँ पर कुछ और भी पूछा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर जो है हम एक लाइन का जो है सेट बताने हैं, ठीक है ना, जो कि इससे रिलेटेड है। एक लाइन का हमें उन सभी लाइनों का एक सेट बताने हैं जो कि किससे, इस लाइन से रिलेटेड है, जो कि इस गिवन लाइन से आपका रिलेटेड है। तो इस लाइन से जो है कौन कौन सा लाइन रिलेटेड होंगे, देखिए जो भी लाइन इस लाइन के, जो भी लाइन इस लाइन के पैरेलल होंगे, ठीक है, जो भी लाइन इस लाइन के पैरेलल होंगे वो सारे लाइन के जो सेट होंगे वही हम बता सकते हैं इसके आंसर में, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पूछा है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू दिस, तो इससे वही लाइन रिलेटेड होंगे जो कि इसके पैरेलल होंगे। इस लाइन के पैरेलल कौन कौन से लाइन होंगे ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है कि अगर ये एक लाइन है, इस लाइन का पैरेलल लाइन, ठीक है ना, वो लाइन पैरेलल कब होंगे, कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल कब होंगे, कोई भी लाइन इस लाइन के पैरेलल कब होंगे, जब उस लाइन का जो स्लोप है और इस लाइन का जो स्लोप है वो हमारा सेम होंगे। स्लोप मतलब जो m का वैल्यू होता है। देखिए y इज इक्वल टू, किस टाइप का इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का इक्वेशन है, mx प्लस c, जहाँ c हमारा एक कांस्टेंट होता है और ये जो m है, m हमारा क्या होता है, स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप होता है। अगर हम ये स्लोप जो है, सिमिलर स्लोप वाले हम जितने भी लाइन्स लेंगे वो इस लाइन से रिलेटेड होंगे। देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं, लेकिन इसका ये जो कांस्टेंट, ये वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि y इज इक्वल टू, यहाँ पर m का जो वैल्यू है वो हमें कितना मिल रहा है, m इज इक्वल टू 2 मिल रहा है ना, यहाँ से m इज इक्वल टू 2 मिल रहा है। जब m इज इक्वल टू 2 मिल रहा था, हमें m का वैल्यू 2 ही रखना है। जितने भी हम सेट लेंगे लाइन्स के, उनमें जितने भी लाइन होंगे उन सब के जो स्लोप होंगे m होंगे, m का जो वैल्यू होंगे वो हमारे कितने होने चाहिए, 2 ही होने चाहिए, तभी जो है इस लाइन के पैरेलल होंगे, तभी हम जो है वो सेट बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड है। यहाँ पर हमारा वो सेट हो जाएंगे 2x प्लस c, जहाँ c का वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 4 दिया है, तो डजेंट मैटर, यहाँ पर c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हम ये सेट बता सकते हैं। आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आप लोगों को समझ में आया है। चलिए जल्दी से इसको रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर मैंने लिख लिया है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन 15 क्या है। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय 1 2, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे जो है गिवन है, तो हमें एक करेक्ट आंसर चूज करना है। चार ऑप्शन गिवन है, आप लोग बुक में क्वेश्चन देखिए और जो भी आंसर आए उसको, उससे रिलेटेड आंसर को आप लोग टिक लगा लीजिएगा। मैं जो है यहाँ पर सिर्फ आपको इसका एक्सप्लेन करूँगा और आंसर बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। रिलेशन हमारे गिवन है ऐसे कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और अलग अलग टाइप से, आपका क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या होगा इसमें। पहला हमारे पास, देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, वो हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन था क्या था, जो भी जितने भी हमारे सेट के एलिमेंट्स होंगे उन सभी के सेम एलिमेंट के साथ सेम का ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए, उस सेट में, उस रिलेशन वाले सेट में बिलोंग करने चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर जो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4 भी आपका होना चाहिए। देखते हैं अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो हम बता देंगे कि रिफ्लेक्सिव है। देखिए 1 1 है, 1 1 हमारे पास है, 2 2 है, 2 2 भी है, 3 3 3 3 भी है, 4 4 4 4 भी है, हम इसको बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, ये हम रिफ्लेक्सिव बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास होता है सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर कोई भी एलिमेंट, सॉरी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हम अगर लेते हैं, जैसे हमने ले लिया है 1 2, तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। 1 3 लेते हैं, इसमें जितने भी दिए हुए हैं, देखिए 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 2 है तो 2 2, 1 1 उसका रिवर्स फॉर्म, ठीक है ना, उल्टा कर देंगे 3 3 2 है तो 2 3,
ऐसे हमारा जो है बिलोंग करना चाहिए। सो अभी हम देखते हैं 1 2 है तो 2 1 कहीं पर दिख रहा है, 2 1 नहीं है, 2 2 का तो चलो ये तो सेम है तो उल्टा कर देंगे तब भी 2 2 ही रहेगा। सो ये तो है, इसका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 3 है तो 3 1 3 1 हमारा इसमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद देखिए 3 3 उल्टा कर देंगे सेम, 3 2 है, 2 3 मिल रहा है कहीं पर, 2 3 2 3 भी नहीं मिल रहा है। सो हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ये सिमेट्री नहीं है। नंबर सेकेंड, थर्ड हमारा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में देखिए कि कोई भी, जैसे हमारा ट्रांजिटिव वाला कंडीशन क्या था, ट्रांजिटिव वाला अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है एंड बी सी आपका आर में बिलोंग कर रहा है तो ए और सी ये भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए, तभी तो हम बता सकते हैं कि जो रिलेशन है वो हमारा क्या है, ट्रांजिटिव है। सो ऐसा एक रिलेशन हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 है और 1 2 अगर आर में बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी आर में बिलोंग कर रहा है, सो 1 2 आर में बिलोंग कर गया है, ठीक है। और 1 3 और भी एग्जांपल देख लेते हैं, 1 3 और 3 2 1 3 आर में बिलोंग करता है और 3 2 ये भी जो है आर में बिलोंग करता है, सो 1 2 1 2 भी आर में बिलोंग करता है। सो कहने का मतलब ये है कि जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। सो स्टूडेंट्स आप लोग बुक में वही वाला क्वेश्चन, वही वाला करेक्ट आंसर को टिक करें जिसमें आपका रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सो जो भी आंसर है उसको आप टिक करिए। सो चलिए अब हम जो है 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। सो चलिए अब उसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब इसको आराम से समझेंगे और अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू बी इज ग्रेटर देन 6, ये रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है, चूज करेक्ट आंसर। ये 4 ऑप्शन दिया है, इनमें से हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। सो अभी हम क्या करेंगे, एक एक करके ऑप्शन में पुट करेंगे और कंडीशन है वो क्या सेटिस्फाई होता है, जो सेटिस्फाई हो जाएगा वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो चलिए पहला ए नंबर आंसर को हम चेकआउट करते हैं, ए नंबर आंसर को चेकआउट करते हैं। सो ए हमारा क्या गिवन है, ए हमारा जो है 2 4 जो है बताया है कि आर में बिलोंग करता है। सो क्या ये आर में बिलोंग करता है, देखिए इसका हम देखते चेक करके, ए कॉमा बी, देखिए ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा। सो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 = 4 - 2 एंड बी, बी का वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 6, नहीं यहाँ तो पहले ही मना कर दिया है बी का वैल्यू हमारे 6 से ज़्यादा होने चाहिए। सो पहला वाला जो आंसर है वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पहला वाला जो आंसर है वो तो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बी वाले की तरफ जाते हैं हम, बी हमारे पास क्या है, 3 8 बिलोंग्स टू आर, क्या ये 3 8 बिलोंग्स टू आर हमारा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, देखिए ये तो ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा यही तो बताया। सो ए इज इक्वल टू बी माइनस टू होना चाहिए, सो ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास क्या है 8 है माइनस टू, सो यहाँ पर जो है बी का वैल्यू, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, 3 और यहाँ से जो है 6, तो ये तो कभी इक्वल नहीं हो सकता है। सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन है, सी को हम चेकआउट करते हैं, सी हमारे पास क्या है 6 8 बिलोंग्स टू आर, सो क्या ये बिलोंग करता है आर में, हम देखेंगे कि ये जो है आर में बिलोंग करता है या नहीं। देखिए ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, सो यहाँ पर 6 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी माइनस टू, सो बी हमारे पास क्या है 8 - 2 है ना, और ये जो कंडीशन है क्या वो सेटिस्फाई होता है, देखिए 8 तो हमारा 6 से ज़्यादा ही है, यानी कि ये सही है, जो रिस्ट्रिक्शन दिया है वो सही है। सो 6 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, सो ये तो जो है सेटिस्फाई कर गया है, ठीक है। अब जो है फोर्थ नंबर भी हम देखते हैं, जो डी नंबर है वो भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं, क्या है 6 8 जो है आर में बिलोंग करता है, आर में बिलोंग करता है, वही सेम ए भी हो जाएगा 6 8 सॉरी यहाँ पर जो है 8 7 है, 8 7 है, 8 7 है। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 = बी माइनस टू हो जाएगा 7 - 2, ठीक है 7 > 6, तो ये तो रिस्ट्रिक्शन तो फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पर क्या ये हमारा आंसर आ रहा है 5 हो रहा है, तो ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। सो हमने देखा कौन सा ऐसा
इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इस इक्वेशन को प्रॉपर वे में सेटिस्फाई करता है, जो भी रिस्ट्रिक्शन दिया है, जो भी हमारा इसमें सब कुछ दिया है वो इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। सो एक सी ही ऐसा ऑप्शन है जो पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि इस रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में जब इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये तो आपका आर में बिलोंग नहीं कर सकता, ये भी आर में बिलोंग नहीं कर सकता, ये बिलोंग कर जाएगा, ये नहीं बिलोंग कर। सो आंसर सी विल बी करेक्ट। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने तीन क्वेश्चन जो भी डिस्कस किया है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। सो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी मदद हो, और अपना वैल्यूएबल जो फीडबैक है वो मुझे कमेंट के थ्रू दे सकते हैं आप लोग। सो ये जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 था क्लास 12th मैथमेटिक्स के, वो हमारा आज यहाँ पर ख़त्म होता है। कल के नए वीडियो लेक्चर में मैं जो है 1.2 स्टार्ट करूँगा, और पहला जो है मैं इंट्रोडक्शन के तौर पर एक लेक्चर बनाऊँगा और उसके बाद मैं जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।